मोहम्मद बसदाए बुलंद सलवात अल्लाहु मसल्ले अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मुअज्जिन सारे मिलकर बुलंद आवाज से मुअज्जिन मुअज्जिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सकीन बिविलायति अमीर المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم। عزیزان من عاشقان محمد وآل محمد بالخصوص عاشقان امام علی ابن مصر رضا علیہ السلام, خدا کا شکر ہے کہ آج کہ خدا نے آج ہمارے نصیب میں دن لکھا, یہ دہ کرامت آج امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے, امام کے گھر میں بیٹھے ہوئے, ऐसा ही है ना? तो सब बेदार हैं, जो जो बेदार हैं जरा हाथ बुलंद करके, जरा हाथ बुलंद करके, कौन कौन बेदार है? माशाल्लाह सारा इंडिया बैठा है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, माशाल्लाह बड़े ही जोश में, माशाल्लाह हर जाहिर हर जब्बार हर आशिक इमाम बड़ी दिल की गहराई के साथ इमाम पी की बारगाह में, बिलखसूस इस बारगाह में आने का मकसद यही है कि जहूर के रास्ते को हमवार करना है, बेदार होना है, तैयार होना है वक्त के हुसैन की नुसरत के लिए, हम सबको तैयार होना है। तो जितना इश्क, जितना ये प्यार, जितना इंतजार इमाम का दिलों में, सब मिलकर बच्चे बुजुर्ग नौजवान मेरी माएँ बहनें सब मिलकर बराए ताजील जहूर इमाम जमान अलैहि सलाम बुलंद तर सलवा। खुदा का शुक्र मेरे मौला ने अपना मेहमान बनाया, खास तौर पे 5 रोज मैं इमाम का मेहमान हूँ, खास तौर पे इस हरम में। मैं नहायत ही मुतशक्किर हूँ, ममनून हूँ अपने भाई अली भाई का और अपने भाई शहजाद जो कि कई सालों से इस खिदमत पर मामूर है, दुनिया भर से आए हुए उर्दू बोलने वाले जवार की जायरीन की खिदमत पर मामूर है। पूरे साल इसी हरम में इसी मकाम पर जश्न हो या मजलिस मुनक़िद होती है। मौला इनके रिस्क रोज़गार में बरकत अदा फरमाए, मौला सबकी ज़ियारत कबूल फरमाए। सार मिलकर बोलो इलाही अमीन, मौला हम सबको हकीकी मायनों बसीरत अहम तहरीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, बेऔलादों को औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जितना प्यार, जितना इश्क इमाम रजा का दिलों में है, सार मिलकर जो जहां बैठा है सब मिलकर बरअज़मत इमाम रजा अलैहि सलाम बुलंद तर सलवात मोहम्मद फरजहुम। भी मासूमा की बारगाह में पेश करने जा रहा हूँ, बल्कि उससे कबल उस रब की बारगाह में एक हम्द पेश करने जा रहा हूँ, सब मिलकर पढ़ेंगे। कि शबीर के ये आखिरी सजदे ने कहा है, शबीर के ये आखिरी सजदे ने कहा है, आओ मैं बताता हूं खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना बड़ा है, बोलो मिलके खुदा कितना, और बोला खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, जब मुझे आवाज नहीं आ रही तो जरी तक आवाज कैसे पहुंच रही होगी, हैं? जरी तक अब अपनी आवाजों को पहुंचाए मिलके खुदा कित, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना, बोलो इंडिया वालों, खुदा कितना बड़ा है कि महसूस उसे अहले जहां कर नहीं सकते, वो कब से है इदराक जमा कर नहीं सकते, अल्लाह को ये कैद मका कर नहीं सकते, क्या उसकी हकीकत है बयां कर नहीं सकते, कि मखलूक को खालिक का ना इरफान हुआ है सोच में इंसान खुदा कितना बड़ा
लगे, तो उस रब की बड़ाई का ऐलान करना है। जरा हाथ बुलंद करो, हाथ बुलंद करके सारे मिलकर हाथ बुलंद करके, खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना बड़ा है, खुदा बुलंद, माशाल्लाह, खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना बड़ा है। उस रब की पहचान किसने करवाई? तवज्जो है ना सबकी, समझ में आ रहा है सबके, किस किस की समझ में आ रहा है, हाथ बुलंद करके बताएं जरा, सभी की समझ में आ रहा है माशाल्लाह से। अब सुनिएगा खास तौर पे जो आगे बैठे हैं, खास तौर पे कि अल्लाह जो रहमत कौनैन है, तखलीक का मकसद ज़ेबा है, जिन्हें अजमत महराज की मसना आईना नजर, जिनके फजाइल की कोई हद, अव्वल भी हैं औसत भी हैं आखिर भी मोहम्मद, अव्वल भी हैं, माशाल्लाह मिल गए हदरी के, अव्वल भी हैं, अव्वल भी हैं औसत भी हैं आखिर भी मोहम्मद, कि ये सब हैं, ये सब हैं, ये सब हैं मोहम्मद, वो मोहम्मद का खुदा है, पूछो ये मोहम्मद से खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना बड़ा है, खुदा, हाँ खुदा कितना, भाई आज भी नहीं बोलोगे, जो आज भी खामोश बैठेगा, जो आज भी नहीं बोलेगा वो कभी नहीं बोलेगा। अब इम्तिहान है, सबके यकीन है कि इमाम देख रहे हैं सबको, हैं? सारे सबका यकीन है कि इमाम देख रहे हैं हम सबको, तो अब इस यकीन के साथ सारे मिलकर देखते हैं कौन कितनी बुलंद आवाज से बोलेगा खुदा कितना, और बोला खुदा कितना बड़ा है, बोलो खुदा, कि अल्लाह हमेशा से है होगा नहीं मादूम, हद उसकी नहीं कोई, ये है इल्म को मालूम, मासूम की मिदहत कोई कर सकता है मासूम, हैदर ने बताया हमें तौहीद का मफहूम, हैदर ने बताया हमें तौहीद का मफहूम, जिसके लिए सजदे में नुसैरी का खुदा है, हैदर ये बताते हैं खुदा कितना, माशाल्लाह हैदरी, उस रब की बड़ाई बयान करनी है, दोनों हाथ लगे कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, तो बोलो मिलके खुदा कितना बड़ा है, हाँ खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना, और आखिर में किसने, आखिर में किसने कराई उस रब की पहचान, अब सुनो, हाँ आएगी कमर सामने जब बारहवीं हो जात, देखेगा जहां मुल्के सुलेमान की किस्मत, वो अदल से समझाएंगे अल्लाह की अजमत, बतलाएंगे दुनिया को वो खालिक की हुकूमत, हर ये मुल्के अजीम उसकी एक अदना सी अता है, मेहदी ये बताएंगे खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना बड़ा है, खुदा कितना, हाँ खुदा कितना, सारे मिलकर पढ़ेंगे कि फबी आला, सब जानते हैं ना, मिलकर पढ़ो, फबिया आला रब कुमा तो का जबान, और अपना तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छोटा लाओगे, ऐसा ही है, ये नेमतें खुदा ने हमें अता की हैं, ये हस्तियां, ये चार दमा जमीन,
ये वो हस्तियां हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें। पांच गाना नमाजें जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर साथ साथ अगर दो रकत नमाज शुक्राना पढ़ें, क्या खुदा तेरा शुक्र है कि तुमने उनसे वाबस्ता किया, है इनसे वाबस्ता किया। आज कुछ नसीब हो कि आज राह हक पर हो, खुदा का शुक्र अदा करो। तो बस जितना प्यार जितना इंतजार इमाम के दिलों में है सबकी बेऔलादों की औलाद के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, जिन्होंने मैसेजेस किए, जिन्होंने पैगाम दिए, जिन्होंने कहा, उन सब की सलामती के लिए सब मिलकर बाबा से बलन सलामा। वाले मोहम्मद वाजल वर्दुम। मेरी भी खुशनसीबी है, हम सब की खुशनसीबी है कि आज हम सब हरमे मुतहर में बैठे हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो आइए क़िबला भी, ज़ैक़म रिज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए हैं। क़िबला माशाल्लाह, क़िबला मेरी आवाज सुन रहे हैं, जज़ाकअल्लाह, आपकी खिदमत सलाम पेश करता हूँ। अगर आज के आ जाएंगे तो हौसला अफजाई हो जाएगी क़िबला, अगर आगे तशरीफ़ लाएंगे तो हौसला अफजाई होगी। सब मिलकर जरा क़िबला की सलामती के लिए, तमाम उलमाए हक़ की सलामती के लिए बौआज़ मरान सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजल फरजो। चले बीबी मासूमा के बारगाह में चले, कौन कौन जाना चाहता है हाथ बलन करके है? सारे मिलकर पढ़ेंगे। हाँ या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, बोलो या फा। जब तक सब नहीं पढ़ेंगे और सरी तक आवाज नहीं जाएगी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। या फा और बला भाई, जिस्मानी गिजा में ज्यादा ताकत है या रूहानी में बताएंगे जरा, किसमें? रूहानी में ज्यादा ताकत है, तो रूहानी गिजा जो मैं दे रहा हूं इंशाल्लाह, जिस्मानी आप अपने अपने होटल जाके खाएंगे इंशाल्लाह। आइए सब मिलकर रूहानी गिजा, सब मिलकर मौज बलंद। या फा माशाल्लाह, या फातिमा ज़हरा, या फा। ये माएं बहनें मेरी बैठी हुई हैं, खुदा इनके पर्दों को सलामत रखे, आज इनका हिजाब सलामत है, हमारे सर फख्र से बुलंद है। ये सब कनीज़ाने ज़हरा हैं, ये कनीज़ाने सानिया ज़हरा हैं। मेरी माओ बहनों सब मिलकर जरा ऊंची आवाज से मिलकर बीबी का नाम लीजिए, मिल गए। या फा माशाल्लाह, या फातिमा ज़हरा, मिल गए। या फा कि या फातिमा ये रिस्क है, सबका अकीदा है ना कि या फातिमा ये रिस्क है, जितना मेरे घर में, या फातिमा ये रिस्क है, जितना मेरे घर में, अरे सब आपके बच्चों का है सदका मेरे घर में, तो या फातिमा ज़हरा, या और है नेमतें जितनी भी वो है बख्शिश ज़हरा, के वल्लाह नहीं कुछ भी तो मेरा मेरे घर में, या फातिमा ज़हरा और बलन ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, और है नसीब आलम हजरत अब्बास का छत पर, है नसीब आलम हजरत अब्बास का घर पर, तो दाखिल नहीं हो सकता अंधेरा मेरे घर में,
या फातिमा ज़हरा। हाँ या फातिमा ज़हरा, और ए बिनते पयंबर तेरे हर एक उदू पर होता है शबो रोज तबर्रा मेरे घर में। या फातिमा ज़हरा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या मामरदा, या फातिमा। और खे शाद मां सब दाजे सुखे लहले मवदत के मौजूद है खुद फातिमा ज़हरा मेरे घर में। या फातिमा ज़हरा, भाई जब कलाम कोई पढ़ लेता है तो उसके बाद क्या बोलते हैं सब, क्या बोलते हैं साईं बताइए ना, जब कलाम पढ़ लें तो क्या पढ़ते हैं सब, बोलते हैं मिलके सुभान अल्लाह, सारे बोलेंगे मिलके क्या बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। भाई कम से कम हकी है उन हस्तियों के फजाइल सुनने का, अपने पूरे वजूद को तैयार किया करें कि हम उनका जिक्र करने बैठे, उनका जिक्र सुनने के लिए। तो बस अपने लबों पर कुतहारत बख्शा करें उनके नाम से। आइए चलते हैं मौला अली की बारगाह में, सब मिलकर एक मरतबा बाहों से बुलंद सलवात का सहारा दीजिए मिलकर जरा। अल्लाहुम्मा वाली मोहम्मद क़िबला, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, आपकी ज़ियारत हो गई इमाम के सदक़े में, माशाल्लाह। आइए मिलकर चले मौला अली की बारगाह में, नजफ कौन कौन जाएगा, हाथ बुलंद करके नजफ कौन कौन जाएगा, माशाल्लाह। तो मिलकर पढ़ो, मिलकर सारे मिल गए। हाँ जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र हैदर, हाँ जिंदगी का सही, आज सबसे सुनना मुझे, हाँ जिक्र हैदर। आज अपने घर में नहीं बैठे हो, अपने वतन में नहीं हो, इंडिया में नहीं हो, पाकिस्तान में नहीं हो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं बैठे हो, इमाम की बारगाह में बैठे हो, तो आज भी नहीं बोलोगे कब बोलोगे, तो बुलंद आवाज से जिंदगी का नहीं जिक्र हैदर, हाँ जिंदगी का भरोसा नहीं, आकबत भी माशाल्लाह ये फरीजा। अच्छा आज ऐसा करते हैं, ये कलाम मैं हमेशा पढ़ता हूं और माशाल्लाह बड़ा मकबूल है कलाम, सबको याद है, आज हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। हाँ लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, लाख फिर भी बख्शिश, हाँ ये मोहम्मद का फरमान है इनके घर से वफा कीजिए, ये मोहम्मद का फरमान है इनके घर से वफा कीजिए, बोलो मिलके। जिंदगी का हाँ जिक्र है दर, हाँ याली 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 आप मुख्तार हैं, अंबिया के मददगार हैं, बोलो मिलके। याली आप मुख्तार हैं
अंबिया के तो जितने मोमिन है उकदा कुशा, उनकी हाजत रवा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं। और मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। हाँ, मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। कुफर है गर्वे लाए अली, हमको काफिर कहा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं। जिक्र हैदर, हाँ जिंदगी का, हाँ आले अहमद की जाकिर शायर मुहिब, जिक्र गैरों का करते नहीं। आप शायर हैं इमरान के, मनकबत ही लिखा कीजिए, जिंदगी का हाँ जिक्र हैदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हॉल के अंदर मुश्किल से 10 से 15 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना खिबला? कितने लोग बैठे हैं माशाल्लाह? 1000 लोग तो होंगे, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा होंगे। तो अगर सबकी आवाज आएगी तो सोचें कहां क्या आलम होगा माशाल्लाह। तो सारे मिलकर जरा एक बुलंद आवाज से मिलके, जिंदगी का हाँ जिक्र हैदर, माशाल्लाह हाँ जिंदगी हाँ जिक्र हैदर किया कीजिए। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह माशाल्लाह, हम जश्न मनाने वाले हैं, इमाम का जश्न है, दहे करामत है मौला, सबकी गोदियों को भरे मेरे मौला। तो आइए अपने शहदा को भी याद करें, मेरे भाई ने कहा एक कलाम, हाँ पेश करूं, सुनेंगे सब सुनेंगे, उस्ताद शहीद सिद्दीक जाफर जैदी का कलाम सुनेंगे। कौन कौन सुनेगा? हाथ बुलंद कर गया है, जरा सारे मिल गए हैं माशाल्लाह। अच्छा ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है क़िबला, ये बड़े फख्र की बात है कि मैंने उस्ताद के लबो लहजे में उन्हीं के अंदाज में कलाम पढ़ा। तो ऐसा ही महसूस कीजिएगा कि जैसे उस्ताद पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं है? तो आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। तमाम शहदा, तमाम मरहूमीन, शब जुमा है आज उन शहदा को याद करें कि जिनकी वजह से ये जियारात हमें बासानी मयसर आ रही है, वो मुदाफईन हराम जिनकी वजह से आज सीरिया आप जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ, ईरान आ रहे हैं, इराक जा रहे हैं, करबला की ज्यारत कर रहे हैं, नजफ की ज्यारत, रास्ते भर में शहदा की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनको याद क्या करें? जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, कदम कदम पे अजल से फरेब खाती है। तो उन शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए उस्ताद शहीद सिद्दीक जाफर जैदी, अमजद साबरी और तमाम शहदा, सरदार कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी मोहंदस और तमाम मुस्लिम हुजजी और तमाम हाजरीन के मरहूमीन शहदा सब की साले समाप्त के लिए सारे मिलकर बाज बलैन सलवात। तैयार हैं सब? बेदार हैं? शुरू करें जवानों, बिस्मिल्लाह। हाँ जब खुदा को पुकारा, हाँ जब अली आ गए जिंदगी आ गई, जब
खुदा को पुकारा। सारे मिलके दोनों हाथ बढ़ाकर के हैदरी। जब खुदा को पुकारा, हाँ जब अली आ गए। माशाल्लाह मेरी माई बहनें बड़ी बड़ी तादाद में बैठी, इनकी आवाज मेरे ख्याल से आपसे ऊंची होगी। जरा माई बहनें पढ़ के बनाएं। जब खुदा को माशाल्लाह, जब अली आ गए। अब सारे नौजवान मिलकर पढ़ेंगे। जब खुदा को माशाल्लाह, हाँ जब जिंदग बंदग रोशन आ गई, जिंदग बंदग रोशन आ गई, रोशन आ गई, आ गई। नारा हैदरी। जब खुदा को मिल गए, सारे मिल गए, दोनों हाथ मिल गए, माशाल्लाह। हैदरी। हाँ जब खुदा को पुकारा, हाँ और तेरी मसनद पे गैरों को बिठला दिया। नज़्द मुस्तफा मज़हर किबरिया, तू बसियो बलियो वाली ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, बलन बलन बलन, जब अली आ गए। और जिसका मौला हूं मैं उसका मौला अली, जब नबी ने कहा दिन कामिल हुआ, मरहबा मुस्तफा रब भी राजी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए। और ये हसीन पैगाम आज के इस जश्न में उस्ताद शहीद सत्य जाफर जदी का ये हसीन पैगाम अपने मनसब से वफा करते हुए जो उस्ताद ने दिया, खास तौर पे सुनिएगा इस पैगाम को कि खुम्स देना, खुम्स देना, खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है, और न देना भी मिसले फिदक है गुना। हक सादात जहरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गए। सारे मिल गए। अदरे। हाँ जब खुदा को पुकारा ले आ गए, सारे इंडिया वाले भी बैठे हैं यहां पे, पाकिस्तान तो बैठा ही, इंडिया वाले भी बैठे हैं। मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है इंडिया में नौगावा सादात में मैंने 8 घंटे पढ़ा कंटिन्यू। कितना, कितने घंटे? 8 घंटे पढ़ा मैंने, जब नहीं थका मैं। 1 घंटे बाद तो मैं शुरू होता हूं। अली भाई ने कहा है कि मुझे तकरीबन आपने 30 से 40 मिनट्स पढ़ना है, तो अभी तो मैं शुरू ही हुआ हूं। आप इतनी जल्दी थक गए सारे हैं? हाय हाय हाय, वो मैं पढ़ता हूं इंशाल्लाह, ऐसी यकीन के साथ पढ़ता हूं कि आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे सुनेंगे जैसे सुनने का हक है। मिलके कि मौत उनके मुहिबों को आती नहीं, अब जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या हजर, मौत का क्या खतर, इससे बचना भी क्या आ गए, आ गए। जब खुदा को
पुकारा और गुस्ले मैयत, गुस्ले मैयत न कहे ना मेरे गुस्ल को, उजद बलबूस को मत कफन नाम दो। आय 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 आय, उजद बलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़िया। अरे मौत गुस्ले मैयत, गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजल मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गए जब खुदा को बलन बोलो आरा अली आ गए। खामोश बैठने वाला ऐसा है, खामोश बैठने वाला ऐसा है कि जो हरम में भी आया है और हरम में नहीं है, हरम में आके भी हरम में नहीं है। अब सबके इम्तिहान है, मिल गए। अब देखते हैं कि आगे पीछे वाले सारे मिलके दोनों हाथ बना के नारे हैदरी हैदरी मिलके बोलेंगे। जब खुदा को पुकारा, हाँ जब अली आ गए। और क्या हसीन मक्ता लिखा उस्ताद ने, अली अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। उस्ताद का मक्ता सुनिए, क्या हसीन मक्ता लिखा उस्ताद ने। कि इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अलिया थी तेरी मदह की। मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के, सिप्ते जाफर को भी शायरे आ। जब खुदा को पुकारा दलिया गए, जब दलिया गए जिंदगी आ गई। अभी इंशाल्लाह 5 दिन तक तो हैं, हम यहाँ पे मुसलसल पढ़ेंगे, साहब मिलकर इबादत करेंगे मिलकर इंशाल्लाह। बाकी कलाम जो फरमाइश है इंशाल्लाह रोजाना पाबंदी के साथ आते रहेंगे, तो हम मिलकर इमाम की बारगाह में बेहतरीन से बेहतरीन नजराना पेश करते रहेंगे। आइए सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हुए कि उसने हमें इस दर से वाबस्ता किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मौलाए कायनात की विलायत का इकरार, सब मिलकर हाजात की बराबरी के लिए, शबे जुमा है परेशानों की दूरी के लिए, रिस्क रोजगार में बरकत के लिए, मरहूमीन की मगफरत के लिए, शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए, सब मिलकर दोनों हाथ भर के किनारे तकबीर, सारे मिलकर नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला। और अब मैं नारा लगाने जा रहा हूं, सबने सुनना है पहले फिर जवाब देना है, जितनी ताकत दी खुदा ने मौला अली के सदके में, इमाम रजा के सदके में। नारे प्यार, इतना इंतजार इमाम के दिलों में है, आशा भी जमा है, अपने इमाम को याद करते हो सब मिलकर। बराए ताजिल ज़हूर इमाम ज़मान अलैहि सलाम, बुलंद से बुलंद तर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु समीउल अलीम من الشيطان اللعين.
اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء وسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو محمد الجواد عليه الصلاة والسلام ضمنت لمن زار قبر أبي بطوس الجنة على الله عز وجل. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک حدیث ہے کہ جو اس وقت کی تقریر کے لیے بطور عنوان اخذ کی جا رہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین تو لمن زارا قبر ابی بطوس عارفاً بحق ہی الجنت علی اللہ عز و جل، حرم کی طرف سے جو موضوع دیے جاتے ہیں ان میں آج کا موضوع ہے کہ زیارت کا معیار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے یہاں کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ کو آواز آ رہی ہے یا آواز مفہوم ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، خود بھی محسوس نہیں کر پا رہا ہوں اور شور بھی ہے، لیکن بہرحال جو بھی جتنا آپ سن سکتے ہیں اتنا سنیں. زیارت کا مفہوم آخر کیا ہے، توجہ کریں. ہم سے جو اتنا زیادہ زیارت کے لیے کہا گیا ہے، زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ، زیارت ائمہ طاہرین علیہم السلام، اور خصوصاً زیارت جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو اتنی گفتگو کی گئی ہے، اس میں کئی بحثیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. پہلی بحث یہ ہے کہ زیارت کہتے کسے ہیں،
एक मफहूम ज़्यारत क्या है, ज़्यारत का तरीक़ा क्या है, मेयार ज़्यारत क्या है और ज़्यारत के फ़वाद क्या हैं, ये सारी बहसें हैं कि जो मुमकिन है इस ज़मन में की जाएं। लेकिन आज जो हमारा मौजू है कि ज़्यारत का मेयार क्या है, मैं उसी एतबार से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हम महसूस करें कि आखिर ज़्यारत कहते किसे हैं, ज़्यारत के मानी क्या हैं। आया ज़्यारत के मानी खड़े हो कर के कुछ पढ़ना है किताब ले कर के, या ज़्यारत का मतलब ज़री को जा कर के चूम लेना है, या ज़्यारत का मतलब चौखट को चूमना है, क्या है? ये एक बहस है बहरहाल कि जो हमें मालूम होनी चाहिए कि आखिर ज़्यारत किसे कहते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि कहते हैं हम हरम में गए थे मगर ज़्यारत नहीं कर पाए। बस हम क्या नहीं कर पाए, हरम गए थे मगर ज़्यारत नहीं कर पाए, बड़ी कोशिश की ज़्यारत करने की लेकिन ज़्यारत नहीं कर पाए, मजमा बहुत था। क्यों? चूँकि इस इंसान की नज़र में ज़्यारत का मफहूम है ज़री को चूम लेना। अगर ज़री को बोसा दे दिया तो ज़्यारत हो गई, अगर ज़री को बोसा नहीं दे सके तो ज़्यारत नहीं हुई। अगर ज़री तक हाथ पहुंच गया तो ज़्यारत हो गई, अगर ज़री तक हाथ नहीं पहुंच सका तो ज़्यारत नहीं हुई। ये मफहूम है जहन में, इसीलिए कहते हैं कि हम चार दिन से हरम जा रहे हैं मगर ज़्यारत नहीं हो पा रही। अजीब है। खूब, आखिर ज़्यारत का मफहूम क्या है? कुछ लोग आते हैं कि हम ज़्यारत करना चाहते हैं, आप हमें ज़्यारत पढ़वा दें। हम ज़्यारत नहीं पढ़ सकते, हम जाहिल हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आप हमें पढ़वा दें ज़्यारत, हम ज़्यारत नहीं कर पा रहे। एक ये तब है इंसान के जहन में तसव्वुर कि आखिर ज़्यारत के लिए ज़रूरी है कि खड़े होकर के कुछ पढ़ा जाए। ये मेरे बहस से ज़रा सा हट करके है लेकिन मैं मुकदमतन अर्ज़ कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। मेरे अजीज़ो, ज़्यारत में ना ज़्यारत के लिए ये ज़रूरी है कि ज़री को हाथ लगाया जाए, ना ज़्यारत में ये ज़रूरी है कि ज़री को बोसा दिया जाए, ना ज़्यारत में ये ज़रूरी है कि खड़े हो करके कुछ पढ़ा जाए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें। अगर करते हैं तो बेहतर है, अगर कर सकते हैं तो बेहतर है। बहुत सी ज़्यारतें हैं, ज़्यारत के नाम पर बहुत से मतून हैं जो मासूमीन की तरफ से बयान किए गए हैं कि ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। कुछ ज़्यारतें मुतलका हैं, जैसे ज़्यारत अमीनुल्लाह है जो मौलाए कायनात के लिए है लेकिन हर हरम में पढ़ी जा सकती है, सिवाय लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन के उसको नहीं कहा जा सकता किसी गैर के लिए। या ज़्यारत जामिया है, इंसानों को पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं ज़्यारत में, लेकिन ये कोई चीज़ ज़्यारत में बुनियादी हैसियत नहीं रखती कि अगर हमने इस किताब को नहीं पढ़ा तो मसलन ज़्यारत नहीं हुई, या हमने इस मतन को नहीं पढ़ा तो मसलन ज़्यारत नहीं हुई। तकरीबन रोज़ाना इस वक्त पर तक पहुँचते पहुँचते आवाज़ ठीक हो जाती है। अगर इस मतन को नहीं पढ़ा तो ज़्यारत नहीं हुई, या मसलन अगर ज़री को नहीं चूमा तो ज़्यारत नहीं हुई। नहीं, ये कोई चीज़ ज़्यारत नहीं है। खुद मफहूम में ज़्यारत क्या है, तवज्जो कीजिएगा, खुद मफहूम में ज़्यारत क्या है, इसी पर बात को रोक रहा हूँ और वो असल फ़िक्र आपके सामने जो मौजू है उसे अर्ज़ करूँगा। असल मफहूम में ज़्यारत है कि जिसकी ज़्यारत कर रहे हैं उसके पास हाजिर हो जाना। तवज्जो करें, जिसकी ज़्यारत के लिए आए हैं उसके पास हाजिर हो जाएं, ये ज़्यारत है। सिर्फ इतना सा मफहूम ज़्यारत है। हुजूर ज़ायर इंदल मजूर, ज़ायर का हाजिर हो जाना मजूर के नज़दीक, मजूर यानी जिसकी ज़्यारत की जा रही है, ज़ायर यानी जिस जो ज़्यारत कर रहा है, ज़ायर मजूर के पास पहुंच गया, ज़्यारत हो गई। इस मफहूम को ज़्यारत कहा जाता है। ये नहीं कहा गया है कि हुजूर ज़ाहिर इंदा कब्रिल मजूर, हुजूर ज़ाहिर इंदा ज़रीहिल मजूर, हुजूर ज़ाहिर इंदा हरमिल मजूर, नहीं, हुजूर ज़ाहिर इंदल मजूर,
मजूर कौन है इस वक्त हमारे लिए इमाम रजा सलामुल्लाह अलैह, हम कौन है जायर। मेयार ज़ियारत ये है कि हम हाजिर हो जाएं इमाम रजा सलामुल्लाह अलैह के पास, ये ज़ियारत है। इसमें जरूरी नहीं है कि जरी को चूमा जाए, चूमे अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जरी पर हाथ लगाया जाए, हाथ लग जाए अच्छी बात है। जरूरी नहीं है खड़े होकर के कुछ पढ़ा जाए, पढ़ ले अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ हाजिर होना काफी है इमाम के नजदीक। तवज्जो करें, मुमकिन है एक इंसान हरम के अंदर जाए, किताब को पढ़ता रहे, जरी पर हाथ भी लगा दे, जरी को बोसा भी दे दे, मगर ज़ियारत ना हो। इसलिए कि वो हरम में तो है लेकिन इमाम के पास हाजिर नहीं है। तवज्जो करें, जहन कहीं है, दिमाग कहीं है, सोच कहीं है, फिक्र कहीं है, यहां खड़ा होकर के टेलीफोन से बात कर रहा है, वहां खड़ा होकर के टेलीफोन से फला मसले को हल कर रहा है, यह इमाम के पास कब है। बहस यह है कि हम अपने पूरे वजूद के साथ इमाम के पास मौजूद हों। हम इधर अपने होटल से निकले, इधर अपने घर से निकले, चले इमाम के पास जा रहे हैं, इमाम के पास जा रहे हैं, इमाम के पास जा रहे हैं। जैसे ही कदम हरम के अंदर रखा, ये एहसास हो जाना चाहिए कि हम इमाम के सामने मौजूद हैं, हम इमाम के पास मौजूद हैं। बस जहां जाहिर को ये तसव्वुर पैदा हुआ कि हम इमाम के पास मौजूद हैं, वहीं ज़ियारत हो गई। अब इसको आप देखें कि जो कहा गया है कि दूर से भी ज़ियारत हो जाती है, अगर करबला नहीं जा सकते हो तो शबे जुमा अपने घर की छत पर जाओ और करबला का रुख करके आवाज दो, सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, इतना ही काफी है ज़ियारत के लिए। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपने आप को हाजिर कर दो जनाब इमाम हुसैन के पास, ये ज़ियारत के लिए काफी है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। असल चीज है हुजूर, तवज्जो कीजिएगा। हुजूर दो तरह का हो सकता है, एक हुजूर जिस्मानी और एक हुजूर कल्बी रूहानी जिसे कहा जाता है, कल्बी हुजूर। मुमकिन है कोई इंसान हरम के अंदर मौजूद हो, जिस्मानी तौर से मौजूद है, रूहानी तौर से नहीं है, यह इम्कान है इस चीज का। आप देख लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हरम में उल्टे सीधे काम करते नजर आते हैं, तो यह कहां से रूहानी वजूद है इनका। अगर रूहानी वजूद होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, कोई एक ऐसा कदम उठ जाए, कोई एक ऐसी नजर उठ जाए जो इमाम की मर्जी के मुताबिक ना हो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो हरम में नहीं है मगर जिस्मानी हुजूर रखते हैं इमाम के पास। आप अपने होटल के अंदर भी हैं, एक मरतबा तवज्जो पैदा हुई और हरम का रुख किया और हरम का रुख करके आवाज दिया, सलामु अलैका या अली इब्ने मुसर रिदा, काफी है। ये हुजूर जी रूहानी है कि जो इंसान के अंदर पैदा हो रहा है। खुश नसीब है वो लोग के जो जिस्मानी हुजूर भी रखें और रूहानी हुजूर भी रखें, जो जिस्मानी तौर से भी हरम के अंदर मौजूद हैं और रूहानी तौर से भी हरम के अंदर मौजूद हैं। एक और जो एक अहम चीज जो ज़ियारतों के अंदर मौजूद है, उसे कहना चाह रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। बस ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करेंगे चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, बस बात अपनी आखिरी मंजिल पर। एक अहम मेयार जो ज़ियारतों के अंदर पाया जाता है, जिसको मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया, अभी जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, जनाबे इमाम जवाद यानी इमाम के बेटे फरमा रहे हैं, ज़मीन तो लमन ज़ारा कब्रा अभी बतूस, मैं जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए जिसने मेरे बाप के कब्र की ज़ियारत की तूस में। कैसे ज़ियारत की? आरेफन बेहक्के, तवज्जो कीजिए, आरेफन बेहक्के, उनके हक की मारेफत के साथ। हक की मारेफत उर्दू में कहूं हक को पहचानना, इमाम के हक को पहचानता हूं, मारेफत यानी पहचानना। आरेफन बेहक्के, अगर इमाम के हक को पहचानते हुए वो ज़ियारत कर रहा है तो ज़मीन तुल जन्नता अला अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं उस इंसान के लिए जन्नत की जमानत ले रहा हूं अल्लाह पर। मेरे अजीजों, ये मामूली बात नहीं है,
یہ کسی خطیب کا خطیبانہ جملہ نہیں ہے, کسی شاعر کا شاعرانہ کلام نہیں ہے, یہ امام کا حکیمانہ فقرہ ہے, یہ امام کا معصومانہ کلام ہے کہ زمین تو لمن زار قبر ابی بتوس عارفن بحق ہی الجنت علی اللہ عز و جل. میں ایسے انسان کے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں, نہ میں امام فرما رہے ہیں. یا خود امام رضا سلام اللہ علیہ, ایک صلوات پڑھیں حضرت کے لیے. خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ من ما زارنی احد من اولیائی عارفن بحقی الا شفعت فیہ یوم القیامہ. کوئی بھی میرا چاہنے والا, میرا دوست میری زیارت نہیں کرے گا اس حالت میں کہ میرے حق کو پہچانتا ہو, مگر یہ کہ قیامت میں اس کے لیے شفیع واقع ہوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر امام کسی کی شفاعت کر دے تو کافی ہے جنت میں جانے کے لیے. اور بعض جگہوں پر بہت ہی اہم, بہت ہی سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جن کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا, تھوڑی سی وضاحت چاہیے اس کے لیے. کہ جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کی بھی, کوئی بھی انسان ہو, بند لفظوں میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں, کوئی بھی انسان ہو, کیسا بھی انسان ہو, اگر امام شفاعت کر دے گا تو نجات مل جائے گی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی امام شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہو, اور امام رضا سلام اللہ علیہ ذمہ داری لے رہے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ امام کی ولادت کا ہدیہ شاعر اول کہہ رہے تھے, اور ابھی آپ نے سنا شاعر دوم سے کس طریقے سے کہ امام کے پاس موجود ہیں. میرے عزیزوں, اس سے بڑا ہدیہ ہمارے لیے اور کیا ہوگا کہ امام خود فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے جنت کے ضامن ہیں, ہم تمہارے لیے شفاعت کے ضامن ہیں, شرط یہ ہے کہ میرے حق کو پہچان کے میری زیارت کرنا. بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں, میرے حق کو پہچان کے میری زیارت کرنا. حق کو پہچاننے کے معنی کیا ہیں؟ توجہ کیجئے, بس آخری فقرہ دو تین منٹ میں. حق, آپ نے بہت سنا ہوگا یہ لفظ عارفن بحق ہی, حق کی معرفت کے ساتھ. جناب حضرت معصومہ کے لیے بھی موجود ہے عارفن بحق, ہاں ان کے حق کی معرفت کے ساتھ. یا امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے موجود ہے عارفن بحق, حق کی معرفت کے ساتھ. یہ کیا چیز ہے حق کی معرفت؟ کیا چیز ہے ان کے حق کو پہچاننا؟ سب سے پہلا مرحلہ, بس اسی پر, اس سے آگے بات نہیں بڑھ پائے گی. سب سے پہلا مرحلہ جو ان کے حق کو پہچاننے کا ہے وہ یہ جسے خود جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, خود چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو پہچاننے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ یہ افراد وہ ہیں جو واجب الاطاع ہیں. یہ حق کی معرفت ہے, واجب الاطاع, یعنی ان کی اطاعت اللہ کی طرف سے ہم پر واجب ہے. یہ ایک امام ہے نہیں, یہ ایک غریب ہے نہیں, یہ ایک پیاسے ہے نہیں, یہ ایک بھوکے ہے نہیں, یہ ایک مظلوم ہے نہیں, یہ کچھ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے. اطاعت واجب ہے یعنی کیا؟ جو یہ کہیں بغیر چوں اور چرا کے ہم اسے انجام دیں. جو یہ کہیں, ان کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے بالکل بلینک چیک ہے کہ جو تمہارا دل چاہے وہ بیان کرو, وہ واجب ہے. توجہ کیجئے, جناب امام حسین سلام اللہ علیہ, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ عز و جل, پروردگار عالم نے نہیں پیدا کیا ہے کسی کو مگر یہ کہ لیعرفو, بندے اسے پہچانے. پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ جوئل تو فداک, ہماری جان آپ پر فدا ہو جائے, فما معرفت اللہ؟ تو امام تو کہ معرفت خدا کیا چیز ہے, خدا کو پہچاننا کیا چیز ہے؟ تو امام کہتے ہیں معرفت اہل کل زمان امامہم, ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے, اپنے امام کو پہچاننا. الذی یجب علیہم طاعتہ, وہ امام کے جس کی اطاعت لوگوں پر واجب قرار دی گئی ہے.
तो हम अगर इमाम को की ज्यारत के लिए अपने वतन को छोड़ करके आए हैं तो आकर के इमाम के सामने दस्ते सवाल बुलंद करें और इमाम से कहें, मौला आप ही हमें यहां तक लाए हैं और आप ही हमको यहां से मारिफत के साथ वापस भेजें, ताकि हम अपने इमाम के हक को पहचाने। और हज हक को पहचानने का पहला मरहला यह है जो अर्ज कर रहा हूं कि हम इस बात को यकीन कर लें इस बात पर कि इनकी इतात वाजिब है। इतात वाजिब है यानी मुकम्मल दीन जो इन्होंने दिया है वो हमें इन्हीं से लेना है। क्या मानी है कि हरम के अंदर जाने के बाद इंसान वो हरकतें अंजाम दे मसलन कि जो इमाम को पसंद नहीं है। अगर खवातीन हिजाब का लिहाज न करें, अगर मर्द गीबत का लिहाज न करें, अगर दूसरी बातों का हम अपने नजरों को बचाने का लिहाज न करें तो क्या मारफत है फिर इमाम की। मसलन इमाम जिस तरीके से आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इतनी आंखें जो मुझे देख रही हैं, मैं मजाल नहीं है मेरी कि मैं कोई गुनाह कर सकूं यहां से, चूंकि इतनी आंखें हमें देख रही हैं, जितनी आंखें इस वक्त हमें देख रही हैं उससे कहीं ज्यादा दकीक इमाम कब्र में रहते हुए हमें देख रहा है। मगर कोई फर्क है उनके होने और ना होने में, जाहिरन वो गैबत में हो या सामने हो, वो यहां हो या कहीं हो, उसी तरीके से हाजिर और नाजिर हमको देख रहे हैं जिस तरीके से आप हमें देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा दकीक देख रहे हैं। लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए, तलब करना चाहिए उनके जश्न में, उनकी महफिल में, कि मौला हमें तोहफे के तौर पर अपनी मारिफत अता फरमाए। परवरदिगारा बेहक जहरा व अबीहा व बालहा व बनीहा व सर्रल मुस्तौदाए फीहा। शब जुमा है हजरत, हम दुआ करते हैं, कुछ आप आमीन कहें, दुआ करने वाला आमीन कहने वाले दोनों एक ही दर्जे में करार पाते हैं। परवरदिगारा इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हम सब को उन बुजुर्गवार के लिए सबब जीनत करार फरमा। परवरदिगारा हम सबको मारिफत मोहम्मद और आले मोहम्मद से सरफराज फरमा। शफाअत मोहम्मद और आले मोहम्मद से बहरमंद फरमा। दुनिया और आखरत में एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद और आले मोहम्मद से जुदा न फरमा। रोज़े हश्र हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ महशूर फरमा। परवरदिगारा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। दुनिया और आखरत में हमारे अयूब की पर्दापोशी फरमा। मरीजों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मगफरत फरमा, कर्जदारों का कर्ज अदा फरमा, हाजतमंदों की हाजतें रवा फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र नफाक व शिर्क व सरनिगू फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, मराज कराम खुसूसन रहबर के साए को हम सब के सरों पर दवाम फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले सबके जान व माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान मोहम्मद और आले मोहम्मद अगर काबिल हिदायत नहीं है तो रसवाई और जिल्लत के साथ नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل
فلما صليت على أحد من أوليائك.